हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी त्योहारों का सीज़न है और घर पर बनी मिठाइयाँ शुद्ध और अच्छी होती हैं, इसलिए मैं आज एक तीज स्पेशल मिठाई की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जो बहुत ही इजी और जल्दी बन जाने वाली है। मेरी आज की रेसिपी है नारियल बर्फी। इसके लिए मैंने लिया है दूध 1 कप, शक्कर 1/2 कप, सूजी 1 टेबलस्पून, मिल्क पाउडर 1/2 कप, ताज़ा कसा हुआ नारियल 1 कप। सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई में कसे हुए नारियल को 1 मिनट तक ड्राई रोस्ट कर लिया है। ऐसा करने से नारियल का कच्चापन चला जाएगा। जब नारियल से अच्छी सी भुनी हुई खुशबू आने लगे तो मैंने इसमें 1 कप दूध और शक्कर भी डाल दी है। जब यह मिश्रण थोड़ा गाढ़ा हो जाए तब मैंने उसमें 1/2 कप मिल्क पाउडर डालकर अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं इस मिश्रण में 1 टेबलस्पून महीन सूजी डाल दूंगी। थोड़ी देर पकाने के बाद आप देख सकते हैं कि मिश्रण बहुत अच्छी तरह से पक गया है और एक डो के जैसे बन गया है। मैंने गैस बंद कर दी है और नारियल के मिश्रण को 2 हिस्सों में बांट लिया है। अब इन दोनों हिस्सों में अलग अलग फूड कलर्स मिला लूंगी। मैंने यहाँ ऑरेंज और ग्रीन कलर का इस्तेमाल किया है, आप अपने मनपसंद कोई भी कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने एक प्लेट में ऑरेंज रंग के डो को हाथों से फैला लिया है और फिर उसके ऊपर ग्रीन कलर वाले नारियल के डो को फैला लूंगी। जब ये दोनों मिश्रण एक दूसरे पर सेट हो जाए तो मैं इसके किनारों को काट लूंगी और इसे एक चौकोर आकार दे दूंगी। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि इसमें दोनों लेयर्स बहुत अच्छी तरीके से नजर आ रही हैं। आप अपने पसंद के शेप में इसे काट सकते हैं। मैंने इन्हें चौकोर आकार में काट लिया है और एक एक बादाम से गार्निश कर लिया है। मैंने इसे मिनिमम 30 मिनट के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए रख दिया है। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये कितनी सुंदर लग रही है। अगर आपको मेरी ये तीज स्पेशल मिठाई पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें। नए व्यूअर्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए आप बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मेरे इंस्टाग्राम हैंडल @potpourriwonders पर भी आप जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।